हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं Realme GT2 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। यहां पर है Realme GT2 Pro, जी हां, अभी थोड़े दिन पहले आया था और काफी सही फोन है। और ये है Realme का मेरे हिसाब से यार अभी तक का सबसे अच्छा फोन, जी हां, Realme GT Neo 2। तो GT है, लेकिन देखते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा फिट कौन सा है। सो बिना देर करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता है यार, इस वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट, काफी सारे टेस्ट दिखाने वाला हूं, लेकिन शुरुआत जो है वो हमेशा अपनी होती है बूट टेस्ट से, जिसमें हम लोग तीनों फोन्स को एक साथ बूट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन पहले लॉक स्क्रीन पे आता है। सो ये देखो यार, अपन ने इसको जो है रेडी किया है यहाँ पर रीस्टार्ट करने के लिए। सेम इसको भी हम लोग करते हैं रेडी रीस्टार्ट करने के लिए। यार मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिन फोन्स को ये ऐसे यू नो दो उंगलियां से रीस्टार्ट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा टफ सा हो जाता है यार ये मेरे हिसाब से ना। ओके, तो यार ये देखो, इसमें तो और नई जुगाड़ है, पहले लॉन्ग प्रेस हम इसको करेंगे। ओके, सो यार ये देखो, ये हमने किया तीनों को एक साथ रीस्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि यार इन जो तीनों फोन से इनमें प्रोसेसर ना बहुत ही ज्यादा तकड़े हैं। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, 6 NM फैब्रिकेशन, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, जी हाँ स्नैपड्रैगन का बहुत ही धासु एकदम तोड़ प्रोसेसर। और इसमें है H Gen 1 प्रोसेसर, 4 NM फैब्रिकेशन, 5 NM फैब्रिकेशन, 6 NM फैब्रिकेशन, मतलब एकदम ऐसा ना कि भाई परफॉर्मेंस तो इन तीनों फोन की तोड़ है, लेकिन इन तीनों में भी ज्यादा यू नो तोड़ कौन है वो अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो आप देखो यार, नंबर वन पे आ गया है लॉक स्क्रीन पे ये, और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आए हैं, पर नंबर वन पे कौन आया, वो है GT Neo 2। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यार और बात कर लेते हैं अपन लोग आगे की। सो देखो भाई, बूट टेस्ट का विनर कौन है अगर कोई पूछता है भी, तो सीना तान के सीधे सीधे चौड़ में एकदम बोलेंगे भैया कि GT Neo 2 है। ठीक है, अब बारी आती है स्पीड टेस्ट की, जिसमें आपको पता है सेम टाइम पे सेम एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन किस एप्लीकेशन को पहले ओपन करेगा, और सेकंड राउंड में भी चेक करेंगे कि क्या एप्लीकेशन ओपन रहती है, अकेले रहती है। सबसे पहले बारी आती है हमारे देसी पबजी की, देखते हैं इसे कौन पहले ओपन करेगा, 1, 2 एंड 3। और मैं आपको बता दूं कि तीनों सेम वाईफाई पर है, तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं है। आप अगर देखोगे तो यार तीनों ने यू नो अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है, और आप देखोगे शुरू से हल्की सी लीड कहने के GT Neo 2 ने ही लेके रखी है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है, बिकॉज ये जिन दो प्रोसेसर से कम्पीट कर रहा है, ऑफकोर्स सेम फैमिली के हैं, लेकिन काफी तगड़े प्रोसेसर भी है। और हल्का सा जो सबसे पीछे है सरप्राइजिंगली, वो है GT2 Pro, और इन दोनों ने एकदम सेम टाइम पे किया है, एंड कुछ सेकंड्स के बाद, आधा या एक सेकंड के बाद किया है GT2 Pro ने। वैसे तो देखो यार, आप सबने ऑलरेडी यू नो गैस कर ही लिया होगा कि भैया यहाँ पर FPS का हिसाब किताब दिखाने का कोई सेंस ही बनता है। क्यों? क्योंकि यार सभी में इतने तगड़े प्रोसेसर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा अभी तक अवेलेबल है FPS, हाईएस्ट FPS जो अवेलेबल है, वो आपको उन सभी में देखने को मिलेगी, यानी कि स्मूथ पे एक्सट्रीम, स्मूथ पे एक्सट्रीम, स्मूथ पे एक्सट्रीम, और अल्ट्रा SD जो है वो आपको सभी में देखने को मिलेगा, पर 40 FPS के साथ। तो भैया हाईएस्ट कितना देता है, जो अपना हमेशा का सवाल होता है कि हाँ भैया देता कितना है वो तो बता दो, तो भैया आपको 60 FPS सभी पे देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम। ठीक है, सो कोई पूछे भैया कि कितना देता है, तो बोलना 60 FPS तो देता है, और हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पे हमें 40 FPS मिलता है, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा किसी भी फोन में अवेलेबल, तीनों फोन प्रोवाइड करते हैं, तो एकदम धासु चीजें। नेक्स्ट बारी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी की, देखते हैं इसे कौन पहले ओपन करेगा, 1, 2 एंड 3। तो आप देखो, दो हाथ से तीनों फोन्स को ऑपरेट किया है एकदम सेम टाइम पे। यार मुझे लगता है सेकंड राउंड में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, कौन सी एप्लीकेशन ओपन रहती है ये अपने को जो चेक करने वाली चीज है। अभी आप देखोगे यार, तीनों एकदम नेक टू नेक जा रहे हैं। ओ भाई, बहुत ही हल्की सी लीड आई गेस यहाँ पर है, बहुत हल्की सी, लेकिन देखते हैं कि कौन, देखो बोला था ना यार ये सबसे पहले आया है, बहुत ही फेक देखा, अब तो एकदम मारामारी हो रही है ना। सो यार कॉल ऑफ ड्यूटी का तो मैंने आपको बता दिया, बस हम लोग लॉबी में चले जाते हैं और जल्दी से फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट गेम, यानी कि फ्री फायर मैक्स की तरफ। सो आप यहां पर देखो यार, आपने देख लिया है कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या हुआ, अभी सेकंड राउंड में आके इसे भी चेक करेंगे। सो देखते हैं फ्री फायर मैक्स को कौन पहले ओपन करेगा, 1, 2 एंड 3। तो आप देखो यार, सेम मेरे हिसाब से यार जो सेकंड राउंड रहेगा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे फोन्स यू नो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन से उन्हें किल कर देंगे, और कौन सा रखेगा जिससे कि कहीं ना कहीं जो ओहो हम जो भी बात कर रहे हो भाई, लेकिन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 और साइन पेज भी इसने सबसे पहले मार दिया। तो यार देखो, कहीं ना कहीं GT जो Neo 2 है भाई, वो बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर टैप टू बिगिन कर देते हैं एक बार। तो भाई देखो, अभी तक अगर हम देखेंगे जो हमारा गेमिंग सेगमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो रहा है, उसमें यार मैं कहीं ना कहीं GT Neo 2 से ज्यादा इंप्रेस हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, 888 टकरा प्रोसेसर है,
एट जेन जो है वो भी बढ़िया प्रोसेसर, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, और ये यार 870 बढ़िया प्रोसेसर, लेकिन पहले का है और इन दोनों से थोड़ा सा कम पावरफुल है, पर आप देखो यार बढ़िया काम कर रहा है। सो गेमिंग के बाद आगे बढ़ते हैं, और अभी सेकंड राउंड में बाद में चेक करेंगे, पहले बाकी के एप्लीकेशन राउंड पूरा करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे गैलरी में क्या हिसाब किताब है, 1, 2 एंड 3। तो आप देखो यार ऐसा कुछ था नहीं, और एक ये अपनी जो इमेज है इसे हम लोग कर देते हैं जूम। आप देखोगे यार यहां पर ये वाली इमेज जो हमने जूम करके छोड़ दी, अभी सेकंड राउंड में आके देखेंगे क्या ये इमेज जूम रहती है या हट जाती है। अब बारी आती है क्रोम ब्राउजर की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा और वेब पेज को लोड करेगा। 1, 2 एंड 3। तो आप यहां पर देखोगे यार, देखो इन दोनों ने सेम टाइम पे किया, इसमें भी ओपन तो हो गया था लेकिन वेब पेज कहीं ना कहीं थोड़ा लेट, बोलते ना जो लोड हुआ है वो वाली चीजें। अब नेटफ्लिक्स की बारी है हमारे बिंज वॉचर्स के लिए, देखेंगे यहाँ का हिसाब किताब है 1, 2 एंड 3। सो आप देखो यार यहाँ पर इन दोनों ने पहले किया, तो कहीं ना कहीं जो ऐप ओपन करने लोड करने वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं अभी जो GT2 है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पीछे से पीछे रहा है। बाकी यार गैलरी तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही थी। एक बार हमारे डायलर को देख लीजिए, सभी में आपको रियलमी UI मिलता है, तो देखो यार एकदम ही सेम था, सेम फैमिली के फोन है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमने कर दिया है। और अभी डिस्प्ले टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर अभी जो सेकंड राउंड है उसमें देखते हैं क्या हिसाब किताब है, बिकॉज फर्स्ट राउंड तो हो गया और आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, लेकिन जो हमने पबजी को छोड़ा था जहां पर देखो यार हमें वहीं मिला है, सभी को हमने अपनी ग्राफिक्स वाली सेटिंग्स पे छोड़ा था, ये वहीं पर ही है, यानी कि गेम बना हुआ है। कॉल ऑफ ड्यूटी का हिसाब किताब, कॉल ऑफ ड्यूटी भी यार देखो तीनों में ही बना हुआ है, वैसे ही फ्री फायर हमने जहां पर छोड़ा था ये भी यार एकदम बना हुआ है, क्या बात है। और जो इमेज हमने जूम ओके यार आप देखोगे अगर, तो जो इमेज है वो भी तीनों में जूम थी, और जो 1, 2, 3 हमने लिखा था वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो देखो स्पीड टेस्ट यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आपको पूरी पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि यार क्या हिसाब किताब है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं स्नैपड्रैगन जो हमारा 870 या बोलो GT Neo 2 है, इसने इन दोनों फोन को काफी बढ़िया कॉम्पिटिशन भी दिया है और बराबरी से थोड़ा सा आगे ही रहा है। मैं ये वाली बात बोलूंगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। और अब बढ़ते हैं डिस्प्ले टेस्ट की तरफ। So, दोस्तों अगर आप देखोगे यार देखो तीनों में सेम वीडियो प्ले हो रहे हैं, हम लोग ऐसे फुल स्क्रीन पे भी भाई प्ले कर देते हैं। सो यार देखो यहाँ मिलता है 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 1300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। यहाँ पर 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, अगेन 120 हर्ट्ज 1300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, सेम ही डिस्प्ले। और यहाँ पर 6.7 इंच का WQHD प्लस 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जिसमें आपको 1400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिल जाती है। तो भैया बोलोगे इतनी गादी तुमने बकर कर दी, लेकिन डिस्प्ले किसका अच्छा है बस ये बता दो। देखो यार कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भैया WQHD प्लस मिल रहा है, ठीक है, टच सैम्पलिंग रेट है भैया 1000 के आसपास, 1400 ऑफ ब्राइटनेस है, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर है। इन दोनों का डिस्प्ले एकदम सेम है, कोई पीछे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ऑन पेपर भी मिलेगा जो एक्स्ट्रा 1400 निट्स आपको, मतलब एज एन जो 100 निट्स का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उसका फायदा हो, WQHD प्लस तो है ही। सो यार डिस्प्ले देखो आ जाओगे आप, देखो आपको वैसे भी ज्यादा अंतर ले गया, अगर नेकेड आई से आप देखोगे आपको तीनों ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कलर से लो या तीनों में आपको पंच होल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, मेरे हिसाब से सबसे छोटा जो है वो इन दोनों का आई थिंक सेम है, इसका थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, वैसे तो मुझे वो भी सेम ही दिख रहा है। सो डिस्प्ले की भी बात हो गई, ओहो यार ये सांप नहीं काट ले जल्दी से बंद कर देते, बुरा जोक ना, आई नो। सो यार अब आप बोलोगे कि भैया इतना बुरा जोक सुनने के बाद आगे की बात भी बता दो, तो यार वो है कि डिजाइन, भैया इतना पैसा दिया है तो दिखने में कैसा है। सो यार पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, आप देखो भाई तीनों बढ़िया है, लेकिन यार ये मजे ला देगा आपको इस पे, ऐसे ही ना ये टेक्सचर वाला फील जो आता है लेदर वाला बहुत ही बढ़िया लगता है। ये दोनों आपको थोड़ा से मैट फिनिश के साथ मिलेंगे, आप देख सकते हो तीनों फोन जो है वो भाई दिखने में अपनी अपनी जगह पे बढ़िया नहीं यार, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, पर प्राइस के हिसाब से यार आप देख लो भाई जितना पैसा जिसमें दोगे ना उतना ही आपको बढ़िया भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा मैं तो शुरू से ही बायस हूं कि मुझे रियलमी का अभी तक सबसे फोन जो GT Neo 2 है ये देखने को मिलता है, और मैं कहीं ना कहीं ये दिखने में अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, लेकिन वो है कि थोड़ा ना होता ना बायस हो जाता है वो वाली चीजें, क्योंकि दिखने में यार देखो दोनों सेम ही लग रहे हैं, मतलब चेंज क्या है, बस कलर गई तो चेंज है, ऐसी वाली बात हो रही है, ठीक है। सो ये तो मैं आपको बताते हैं राइट स्पाइन पे यार अगर हम लोग बात कर लेंगे तो आप देखो पावर बटन, पावर बटन, और यहाँ भी पावर बटन, इधर पे आप आओगे तो देखो भाई वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम रॉकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अप टॉप नीट एंड क्लीन, नीचे आप देखोगे तो सिम ट्रे है, USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेगी। आगे का हिसाब किताब मैं आपको बता चुका हूँ, साइड वाला पंच होल आपको सभी में देखने को मिलेगा, और पीछे का भी हिसाब किताब मैं आपको सब में बता चुका हूँ। लेकिन पीछे है तो यार एक बार जरा भाई जल्दी से हम लोग कैमरास की बात कर ले, तो यहाँ आपको मिलता है 64, 8 एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पर है 52 एंड 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पर भी है 50, 50 एंड मैक्रो वाला लेंस जो कि 40x जूम के साथ वगैरह आपको मिलता है।
ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भाई इस पंच होल में, यहाँ पर 16 है, 16 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलेगा, और वैसे ही यहाँ भी आपको 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये आप बोलोगे यार तुमने तो स्पेसिफिकेशंस तो रख दिए, तो हम भी देख लेते, पर कैमरा किसका अच्छा है, तो यार उसके लिए ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स। तो दोस्तों कैमरा सैंपल तो बता दिए, देखो बैटरी भी जल्दी बता दूं, तीनों में 5000 एमएच की बैटरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, और वही 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको तीनों में देखने को मिल जाएगी। और यार सब में रियलमी यू आई, तो देखो बैटरी बैकअप ले लो यार, पर कहीं ना कहीं ये है कि जो बैटरी ज्यादा यूज होगी वो कहीं ना कहीं इसके अंदर हो सकती है, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यार डब्ल्यू क्यू एच डी डिस्प्ले भी तो है, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले 6.7 इंच का, ठीक है, 6.62 इंच एंड 6.62 इंच मैं आपको बता चुका हूँ। सो देखो यार सब कुछ देख लिया, कैमरा सैंपल्स परफॉर्मेंस यू नो क्या कहते हैं डिस्प्ले वगैरह सब कुछ देख लिया। सो भैया बोलोगे फोन कौन सा अच्छा है, तो यार देखो भैया जेब में पैसा है ना सारे फोन अच्छे हैं इन तीनों में, चलो यार ठीक है आप बोलोगे तो क्या बकर हो रही है हमें, तो मैं बताता हूँ। देखो अगर यार आप एकदम यू नो अपने अच्छे वाली रेंज में आना चाहते, देखो यार ये आई मीन 8th जेन है, प्रोसेसर देखो प्रोसेसर तीनों के अच्छे, परफॉर्मेंस तीनों की अच्छी, तो आपका यार मेरे हिसाब से ना पैसों की बात आ जाती है, और इन दोनों में एक्चुअली थोड़ा टफ कॉल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यार देखो डिस्प्ले इनका ऑलमोस्ट सेम है, यार बोल दो सेम ही, क्योंकि दोनों में 1300 ब्राइटनेस है, E4 एमोलेड है, साइज भी सेम है, ठीक है। प्रोसेसर का ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 888 प्रोसेसर है, 870 है, दोनों प्रोसेसर बढ़िया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑन पेपर भी तगड़ा है, ऑल दो वीडियो में इसने बढ़िया तरीके से इसको वो दिया है, क्या बोलते हैं मतलब जो झटका तो नहीं बोलेंगे टक्कर जो है ना वो बढ़िया दिया है, ऐसा है। कैमरा साहब देखोगे यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 50 है, 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेम है, बैटरी पूरी सेम है, फास्ट चार्जिंग भी सेम ही है। सो इन दोनों में थोड़ा टफ कॉल हो जाएगा बोलना, पर ये नहीं प्रोसेसर के कारण मैं ना बोल दूंगा कि आप इसके लिए जा सकते हैं, बट देखो प्राइस का भी डिफरेंस है, तो वो वाली चीज भी आप एक बार समझ सकते हो। तो यार देखो मैंने आपको एकदम यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था सब कुछ बता दिया कि भाई पैसा है तो यहाँ चल जाओ, इन दोनों में अगर आप बोलोगे तो यार देखो ये मैं थोड़ा बायस चल जाएगी क्योंकि मैं जीटी नियो 2 की साइड हूँ, पर 888 भी बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, ये वाली बात याद रखना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार ये था मेरा सोचना इन तीनों फोन्स के बारे में, आपको इसके और कौन से वीडियोस देखने हैं या मुझे कमेंट करके बताओ, कुछ मैंने मिस किया हो वो भी कमेंट करके बताओ, कोई सा वीडियो देखना हो वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।